हाय क्लास, गुड आफ्टरनून। सब ने लाए हैं सामान। दाम खा लड़ो लाती मैम। सबके पास है ये देखिए मेरी मेहंदी, सब किस तरीके से है। मैं थोड़ा सा फेंट रही हूँ। कल हमने 2 स्पून मेहंदी भिगोए थे ना, अब इसका हाफ, 2 स्पून का हाफ, 1 स्पून हमको नीलगिरी ऑयल डालना है। वाटर भी ऐड करना है। वेट कीजिए, पहले सुन लीजिए, देख लीजिए, के बाद आप लोग बनाइए। तो मैं टाइम दे दूंगी। वन स्पून नीलगिरी ऑयल ऐड करना है इसमें। नीलगिरी ऑयल क्यों डालते हैं? कलर आने के लिए। ओके। मैम इसकी जगह मेहंदी का ऑयल यूज कर सकते हैं? कौन सा ऑयल? मैम मैं पंसारी की दुकान पे गई थी, मिला नहीं था, वो कह रहे कल आएगा, तो मेहंदी का तेल ला सकते हैं इसमें? नीलगिरी ऑयल के अलावा कोई भी ऑयल यूज नहीं करना है क्लास। नीलगिरी ऑयल से ही कलर आता है। ये ऑयल आपको कोई भी मेडिकल में अवेलेबल मिल जाएगा। ऑयल डालकर अच्छे से मेहंदी को फेंटना है। मैम हम तो इधर है ना यूपी में, मैम सब जगह पूछवाया, यहाँ तो मिली ही नहीं रहा। बोल रहा है कि अब तो आता ही नहीं है ना, मेहंदी ऑयल मिल रहा ना नीलगिरी ऑयल मिल रहा, फिर हम क्या करें? हमारे यहाँ पर से मंगा सकते हैं, हमारे शॉपिंग में से। मैम कितना टाइम लगेगा यहाँ आने में इधर यूपी साइड में? मैं बताती हूँ, पहले देख लीजिए। ओके। मेहंदी को अच्छे से फेंटना है। ये हमारी गाड़ी है अभी मेहंदी, तो इसमें हम अभी डालेंगे पानी, ऐड करना है थोड़ा सा ही है क्लास। जितना हो सके उतना फेटना है, उतनी अच्छी मेहंदी, जितना फेटेंगे उतनी मेहंदी सॉफ्ट होती है क्लास। मैम हम भी डाले पानी?
वर्षा में पानी और डाल दिए। मैं मेरे को मैम ऑयल कितना डालना? पहले आप लोग मेरी मेहंदी देख लेंगे क्लास। ओके मैम। दो स्पून मेहंदी ले रहे हैं ना क्लास, तो एक स्पून हम उसमें नीलगिरी ऑयल डालेंगे। अगर चार स्पून मेहंदी है तो दो स्पून नीलगिरी ऑयल, हाफ क्वांटिटी रखनी है ऑयल की मेहंदी से। ओके मैम, समझ में नहीं आया, एक बार बताना दोबारा। मेहंदी से हाफ क्वांटिटी रखनी है ऑयल की। हमने कल दो स्पून मेहंदी लिए थे तो उसके अंदर एक स्पून नीलगिरी ऑयल ऐड किए हैं। अगर चार स्पून मेहंदी ले रहे तो दो स्पून उसमें नीलगिरी ऑयल ऐड करेंगे। ये मेहंदी बन गई है हमारी, सबकी मेहंदी ऐसी बननी चाहिए पेस्ट की तरह। मेरे देखो, मैंने क्या बोली क्लास अभी? देखिए मेरी मेहंदी इस तरीके से बनना चाहिए सबकी, पेस्ट की तरह। अब इस मेहंदी को मैं कैरी बैग में पैक कर रही हूँ। पूरा क्लीन कर लेना है बॉक्स को। स्पून पूरा बॉक्स क्लीन करना है। इस तरीके से पूरा पैक करना है। देखिए यहाँ पर पूरी मेहंदी डाल दी हूँ मैंने। अब इसके बाद इसमें एयर नहीं जानी चाहिए, पूरी मेहंदी को नीचे करना है। इसमें बिल्कुल भी एयर नहीं जाना चाहिए, इस तरीके से पूरी मेहंदी नीचे करके इसको पैक करना है। रबर से वो भी टाइट पैक करना है अच्छे से कि उसमें हवा ना लगे। और इस पैकेट को हम ज्यादा से ज्यादा 8 दिन यूज कर सकते हैं। नीलगिरी ऑयल सिर्फ कलर के लिए यूज किया जाता है। और अगर मैं आपको मेहंदी बनाकर लाने के लिए कह रही हूँ प्रैक्टिस के लिए, तो वो
उसमें आप लोग नीलगिरी ऑयल ऐड नहीं करेंगे। देखिए इस तरीके से पैकेट बन गया हमारा। यहाँ तक सब स्टेप करिए अभी सर, समझा सबको? चलिए अभी कौन सा मैम तो पूछे नहीं इस बारे में। चलिए क्लास ये देखिए मैं कौन बना रही हूँ। चलिए कौन बनाए सबने? सेलो टेप लगा दीजिए कौन को कैसे पैक करते हैं। ये देखिए कौन बन गया है ना हमारा। तो अभी इसमें मेहंदी डालनी है। पहले जो पाउच है ना हमारा उसको यहां से कट करना है। ये देखिए कौन कैसे पकड़ना है, कौन पर ये जो ऊपर की नोक रहती है ना वो पकड़नी है ऐसे और हाथ को ऐसे करना है। देखिए इस एंगल से कौन को ऐसे लीजिए और ऐसे नीचे करना है। कौन की नीचे की नोक खराब नहीं होनी चाहिए। अगर कौन की नीचे की नोक खराब होती है तो पूरा कौन वेस्ट होता है। ये देखिए इसमें और मेहंदी लगेंगी ना। साइड का पेपर रहता है ना वहां तक ही अंदर की मेहंदी होनी चाहिए उससे ऊपर। ये देखिए अभी पूरी मेहंदी आ गई है पूरी कोन में। अभी कोन को पैक कैसे करना है पहले तो देखिए। कोन को हम ऐसे ठीक करेंगे ऊपर तक, यहाँ तक मेहंदी नहीं लगनी चाहिए। ये हिस्सा आपका क्लीन होना चाहिए। अभी ऐसे नीचे प्रेस करना है, देखना है। ये देखिए यहाँ से मेहंदी आ रही है ना, ठीक है। फिर अभी कोन को फोल्ड करना है। फर्स्ट तो ऐसे फोल्ड करेंगे, फिर सेकेंड ऐसे, इसी तरीके जिगजैग जो हम निकालते हैं ना उसी तरीके से फोल्ड करते जाना है, ठीक है। यहाँ नीचे कोन की नोक पर हल्की सी छोटी सी सेलो टेप लगा देने की। ओके भाई कोन की पैकिंग फिर से बता रही हूँ। क्लास देखिए मैंने कोन ओपन की हूँ।
पहले तो फर्स्ट आप यहाँ से भी फोल्ड कर सकते हैं, लेफ्ट साइड से या राइट साइड से। सेकेंड स्टेप वैसे ही फोल्ड करते जाना है, पेपर जब तक छोटा नहीं होता वैसे फोल्ड करते जाना है। देखिए पेपर छोटा हो गया ना, अभी क्या करना है, इस पेपर को हाफ फोल्ड करिए और कोन के ऊपर लीजिए, फिर जो सेलो टेप लेंगे ना हम, उसको कोन के पीछे से लगाना है, ये फ्रंट साइड से नहीं बैक साइड से लगाएंगे सेलो टेप, और टाइट ये करके सेलो टेप लगा लिए। देखिए मेरा कोन रेडी हो गया है। देखिए क्लास किसका माइक ऑन है, माइक ऑफ कर दीजिए। माइक किसका ऑन है, स्नेहल जी माइक ऑफ कर दीजिए। नेहर जी आपको मेरी आवाज आ रही है, ठीक है। चलिए देखिए क्लास कौन हो गया है ना रेडी, हो गया सबका पैक करके। मैम ये देखो ना मेरा, चलिए सबने कौन बना लीजिए। अभी कौन को देखिए अभी कैसे पकड़ना है, इस तरीके से कोन को पकड़ना है, जिस तरीके से पेन को पकड़ते हैं ना उस तरीके से पकड़ना है। अभी देखिए क्या करेंगे, पहले तो लेफ्ट हैंड ऐसे रखेंगे, फिर ये जो राइट हैंड है ना उसके ऊपर रख के लाइन खींचनी है। लाइन खींचते वक्त आपकी लाइन बीच में टूटनी नहीं चाहिए। मैम हम लोगों को के कौन से मेहंदी भारी नहीं आ रही है, कौन पैक बना दिए होंगे आपने, नहीं थोड़ा सा कट किया फिर भी कैसे क्या भार नहीं आ रही है, फिर कौन ने मेहंदी में पानी कम डाले होंगे, घट होंगी मेहंदी, आपकी लाइन टूटनी नहीं चाहिए, पहले लाइन की प्रैक्टिस करनी है। अभी लाइन खींचते हो स्केल का यूज करिए, कैसे करते हो यूज मैं देखती हूँ, मेहंदी से निकालते हो स्केल का यूज कर सकते हैं, नहीं मैम। चलिए अभी लाइन खींचिए, कौन से करना है ये प्रैक्टिस, आपकी लाइन बीच में टूटनी नहीं चाहिए। चलिए सबने अच्छे से प्रैक्टिस करिए। हेलो मैम, यस, आप जो ये शीट यूज कर रही है, शीट का नाम क्या है, प्रैक्टिस शीट बोलते हैं इसको। ओके चलिए प्रैक्टिस करिए सबने। हो गया सबका क्लास, ऐसे ही लाइन खींचनी है। एक लाइन खींचे, क्या करना है घुंघरू निकालने हैं, ये देखिए इस साइज के निकालने हैं। मैम
माइक ऑफ कर दीजिए। ठीक है, सबको समझ में आए ना? यस मैम। मैम मैम लाइट चली गई थी, वाईफाई ऑफ हो गया था मेरा, एक मिनट बस। ये मैंने लाइन तो ड्रॉ कर ली, इसके बाद आप यही बता रही है, मतलब रफ पेज पे करना है ना, अपनी फाइल पे तो नहीं करना ना इसको? नहीं नहीं नहीं, पहले रफ पेज पर कर लीजिए मैम। चलिए सबने अच्छे से करिए, अभी दो तीन लाइन पूरे निकालने हैं, पूरे फुल लाइन में निकालने हैं, अच्छे से फिनिशिंग के साथ होना चाहिए सबका। हो गया सबका? यस मैम। नेक्स्ट बता रही हूँ, सबने ध्यान से देखिए, इसी तरीके से लाइन खींचनी है। फिर यहाँ पर फर्स्ट राउंड घुंघरू निकालना है, ये मैं आपको बिग साइज में बता रही हूँ। ये जो तो अभी निकाली हो ना, वो साइज होनी चाहिए आपके बुक में। ठीक है, चलिए अभी निकालिए सबने, क्लास में ही प्रैक्टिस को टाइम दे रही हूँ तो सबका आना चाहिए। नेक्स्ट बनाना है, सेकेंड राउंड घुंघरू। फिनिशिंग के साथ वर्क कीजिए क्लास। क्लास सब प्रैक्टिस कर रहे हैं ना? यस मैम। यस मैम। ये सब होने के बाद आगे की डिजाइन्स भी करनी है। हमारा फर्स्ट डे से अभी तक जितना भी पोर्शन हुआ है वो सारा पोर्शन हमको इसे करना है। मैंने प्रैक्टिस किया है, देखो तो लाइन की और इसकी भी प्रैक्टिस में, लेकिन हमारी मेहंदी तो फैल रही, पता नहीं। मैम मेरा देखो, मैम मेरा देखना, देख रही हो? मैम मेरा देखो ना, सबका एक ही टाइम में फिनिशिंग तो नहीं आएगा ना क्लास, उतने से प्रैक्टिस कर देते हैं। बाय क्लास। Bye ma'am. Bye ma'am. Bye ma'am. Bye ma'am. Bye, ma'am.